अभिनेता भगवान दास मूलचंद लुथरिया उर्फ सुधीर को आपने कई फिल्मों में देखा होगा। किसी फिल्म में वो विलेन का किरदार निभाकर छाए तो किसी फिल्म में उन्होंने शरीफ आदमी की गजब एक्टिंग करके दिल जीता। उनका कॉमेडी अंदाज भी काफी पसंद किया गया। अपने करियर में उन्होंने कई गंभीर रोल भी किए। दिलचस्प बात यह है कि अपने करियर की शुरुआत उन्होंने बतौर हीरो शुरू की थी, मगर वो विलन के रूप में अधिक मजबूती से उभरे। सुधीर का जन्म वर्ष 1944 में हुआ था। इनका पूरा नाम भगवान दास मूलचंद लुथरिया था, लेकिन 60 के दशक में जब वो फिल्मों में आए तो उन्होंने अपना नाम सुधीर रख लिया। लेकिन दोस्तों, आज हम आपको इनके आज से रूबरू करवाने वाले हैं, तो बने रहिएगा हमारे साथ वीडियो के एंड तक। सुधीर पहली बार वर्ष 1962 में रिलीज हुई फिल्म प्रेम पत्र में नजर आए थे। ये फिल्म महान निर्देशक विमल रॉय ने बनाई थी और इस फिल्म में लीड रोल में शशि कपूर और साधना थे। सुधीर साहब फिल्म में एक कॉलेज स्टूडेंट बने थे। सुधीर के करियर की दूसरी फिल्म चेतन आनंद की हकीकत थी। ये फिल्म साल 1964 में रिलीज हुई। अपनी शुरुआती दोनों फिल्मों में सुधीर सपोर्टिंग रोल में दिखाई दिए थे। वर्ष 1968 में रिलीज हुई फिल्म एक फूल एक भूल में सुधीर पहली बार बतौर हीरो नजर आए। इस फिल्म को उस दौर के जाने माने निर्देशक प्रोड्यूसर केदार कपूर ने बनाया था। फिल्म में इनकी हीरोइन जेबा रहमान थी। इस फिल्म में मुमताज, हेलेन, चमनपुरी, मदनपुरी, देव कुमार और के एन सिंह जैसे उस दौर के दिग्गज सितारे मौजूद थे। बतौर हीरो सुधीर की अगली फिल्म उस्ताद 420 थी। ये फिल्म एक फूल एक भूल के अगले साल बाद यानी की 1969 में रिलीज हुई थी। ये बात भी बड़ी खास है कि सुधीर साहब जब फिल्मों में हीरो थे तो मोहम्मद रफी और मुकेश जैसे महान गायकों ने इन्हें अपनी आवाज दी थी। इस पर फिल्माए गए कुछ गीत बड़े ही हिट हुए थे। सुधीर ने कुछ फिल्मों में कॉमेडी भी की थी। बतौर कॉमेडियन 1982 में आई सत्ते पे सत्ता इनकी सबसे मशहूर फिल्म रही। इसमें ये अमिताभ बच्चन के भाई बने थे। अमिताभ बच्चन के साथ इन्होंने कई फिल्मों में काम किया था। दीवार, कालिया, शराबी, मजबूर, शान और लाल बादशाह जैसी फिल्मों में भी सुधीर अमिताभ बच्चन के साथ नजर आए थे। फिल्मों के अलावा सुधीर ने मशहूर टीवी शो CID के भी दो एपिसोड में काम किया था। हालांकि अगर बात की जाए इनके आज की, तो आपको बता दें 12 मई 2014 में फेफड़े के संक्रमण के चलते उनका निधन हो गया था। हालांकि इनके द्वारा किया गया अभिनय हमेशा याद किया जाएगा। तो दोस्तों, अभी के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक अपना ध्यान रखिए। बाय बाय।